हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर में डबल बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। डिजाइनर डबल बॉर्डर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हुए हैं। बेस कलर जो है मेरा ये पिंक कलर है, इसको मैं लगाऊंगी और अपनी भूल के हिसाब से 4.5 नंबर पे मैंने इसको सेट कर दिया है। हुक लगा देंगे, वेट लगाएंगे। अब जो है हम 18 सलाइयाँ जो है वो ऊपर लगाएंगे। पीछे वाली निडल जो है वो मैं आगे की साइड पर दे रही हूँ और 18 सलाइयाँ मैं प्लेन लगा दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। 18 सलाइयाँ लगाने के बाद हमें क्या करना है, 3 निडल का गैप करना है और ये फंदा इधर डालना है, इधर वाला फंदा इधर। इस तरह से 3 निडल का हमें गैप करना है, 3 निडल छोड़नी है और फंदे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक सलाई पहले हम लगा लेंगे। पीछे वाली निडल पीछे की साइड ही रहेंगी। अब जो हमने 3 निडल का गैप किया था उसमें बीच वाली निडल आगे और जो फंदे ट्रांसफ़र किए थे वाली निडल आगे, बीच वाली निडल आगे। इस तरह से करना है। धागा निकालना है और कैरिस का हुक पीछे की साइड कर देंगे। वाइट वाला धागा लगाएंगे और 4 सलाइयाँ फिर हम इसमें लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 सलाइयाँ लगाने के बाद फिर क्या करना है, ये धागा निकाल देना है। वापस से हम अपना पिंक कलर लगाएंगे। हुक को आगे की साइड कर देंगे क्योंकि अब हमें ये वाली निडल जो है वो बिननी है। तो जब हम कैरेज को डायरेक्ट भी चला सकते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है ये फंदे फंस जाते हैं, तो हम इस तरह से सारी निडल आगे की साइड कर लें। पीछे वाली पीछे ही रहेंगी लेकिन इस ये वाली निडल आगे की साइड कर देंगे इस तरह से। अब हम 2 सलाइयाँ लगाएंगे। दो सलाइयाँ लग गई हैं। अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे और ये देखिए एक डिजाइन जब मैंने बनाई है तब मेरी 6 सलाइयाँ चल गई हैं। तो अब मुझे, मैंने यहाँ पे जो थी 18 सलाइयाँ चलाई थी, एक बार में 6 सलाइयाँ चल गई, यानी कि मुझे 3 बार ये डिजाइन बनानी। एक बार डिजाइन बना चुकी हूँ, 2 स्टेप मुझे और करने हैं। वही सेम रिपीट करना है जैसे नीचे किया था, बीच वाली निडल को आगे इस तरह से करके फिर ये वाला जो धागा है इसको हम कैरिस का हुक पीछे कर देंगे। 4 बार चलाएंगे, फिर निडल को पीछे करेंगे, कैरिस का हुक आगे की साइड और 2 बार ये धागा लगाएंगे। इस तरह से जैसे नीचे किया है वैसे ही 2 स्टेप और बना ले रही हूँ। एक स्टेप बना चुकी हूँ मैं, बनाकर फिर दिखाती हूँ किस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर आएगा। 3 स्टेप बना लिए हैं मैंने और मतलब एक नीचे बना चुकी थी और 2 स्टेप और बना लिए मैंने, तो टोटल जो है मेरे 3 स्टेप हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो पीछे वाली निडल है इनको हम आगे की साइड कर देंगे और 2 सलाइयाँ लगाएंगे। दो सलाइयाँ लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें फंदे डालने हैं। ऐसे ही डालने हैं, एक एक निडल छोड़ छोड़ के
या एक एक फंदा छोड़ छोड़ के इस तरह से एक फंदा छोड़ देंगे, फिर डालेंगे इस तरह से। सारे फंदे डाल लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये आपका बॉर्डर जो है वो बनकर आएगा। सारे फंदे डालने के बाद अपना वेट और हुक लगा देंगे। नीडल आगे की साइड कर देंगे जिससे फंदे ना निकले। आप जिस पे आपका स्वेटर बनता है 7.5 पर, मैं अपनी भूल के हिसाब से मैंने इसको 7.5 नंबर पर सेट कर दिया है। और कुछ सलाइयाँ मैं प्लेन चला ले रही हूँ, उसके बाद दिखा रही हूँ किस तरह से बॉर्डर आएगा। प्लेन चला ली हैं सलाइयाँ, अब ये देखिए इस तरह से ये आपका बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है।